वट इज एटल्स एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स मैप की बुक होती है उसे हम एटल्स कहते हैं देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स मैप्स के डिफरेंट काइंड्स होते हैं अलग अलग तरीके के मैप्स होते हैं रोड मैप सबसे पहले रोड मैप रोड मैप क्या होती है रोड मैप शोज नेशनल एंड स्टेट हाईवेज क्या शो करती है नेशनल हाईवे को और स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय हाईवे और राज्य हाईवे मेज़र रोड्स कनेक्टिंग वेरियस सिटीज एंड टाउंस जो मेज़र रोड होती है जो मेन रोड होती है वो डिफरेंट सिटीज और टाउंस से कनेक्टेड रहती है जुड़ी हुई रहती है एयरपोर्ट्स एंड रेल रोड ट्रैक्स और किससे जुड़ी हुई होती है एयरपोर्ट से और रेल रोड ट्रैक ट्रैक से रेल रोड की पटरीयों से दीज मैप्स आर यूजअली यूज फॉर डायरेक्शंस यह जो मैप्स है वो किसके लिए यूज होते हैं डायरेक्शंस के लिए दिशा पता करने के लिए वाइल्ड ड्राइविंग जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें पता हो पता करने के लिए कि कौन सी रोड किधर जाएगी कौन सा डायरेक्शन किधर जाएगा उस इसके लिए हमें रोड मैप की ज़रूरत होती है ए वेदर मैप अगला क्या है वेदर मैप व्हाट इज़ वेदर मैप इट इंडिकेट्स द वेदर कंडीशन एंड पैटर्स टू सिटीज स्टेट्स एंड कंट्रीज वेदर मैप किसको इंडिकेट करती है मौसम की जानकारी अलग अलग सिटी स्टेट और कंट्री के मौसम की जानकारी किससे पता होती है वेदर मैप से ओके ए ग्रिड मैप इज ए मैप ग्रिड मैप क्या होता है विच इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस स्क्वेयर्स और ग्रिड किसका क्या होता है ग्रिड ग्रिड मैप मतलब जाल तो ग्रिड मैप एक स्क्वायर स्क्वायर मतलब लाइक दिस दिस इज अ ग्रिड मैप दिस इज स्क्वास ओके दिस इज अ ग्रीड विच विच आर यूज्ड टू लोकेट प्लेसेस जिसमें क्या होते हैं अलग अलग प्लेसेस लोकेट होते हैं अलग अलग जगह पताई हुई होती है इच लोकेशन यूजेज ए लेटर हर लोकेशन में एक लेटर होता है एंड ए नंबर और एक नंबर होता है ऑन द ग्रीड हर ग्रीड में देखिए दिस इज अ ग्रीड हियर ऊपर की साइड देखिए दिस इज नंबर दिस इज लेटर ए बी सी डी ई और एफ एंड हियर इज नंबर वन टू थ्री एंड दिस इज द नेम ऑफ प्लेसेस नाउ ए फिजिकल मैप वाट इज अ फिजिकल मैप फिजिकल मैप इंडिकेट्स द वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स को इंडिकेट करता है ऑफ ए स्टेट और कंट्री एक कंट्री और स्टेट के बारे में अलग अलग जोग्राफिकल स्टेट्स को बताता है दीज आर जो कौन से होते हैं माउंटेंस हील्स प्लेन्स डेजर्ट्स रिवर्स लेक्स सीज़ और ऑशंस माउंटेन्स माउंटेंस मतलब पर्वत हील्स पहाड़ियाँ प्लेन्स मैदान डेजर्ट्स रेगिस्तान रिवर्स नदी लेक्स झील सीस समुद्र एंड ऑशनस और सागर इन सब के बारे में अगर हमें पता करना होता है तो हम कौन सा मैप देखना पड़ेगा फिजिकल मैप पॉलिटिकल मैप ए पॉलिटिकल मैप शोज बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज अलग अलग कंट्री और स्टेट के बारे में जो बाउंड्रीज है वो किससे पता चलती है पॉलिटिकल मैप से कि कौन सी स्टेट की बाउंड्री कहाँ तक है कौन सी कंट्री की बाउंड्री कहाँ तक है मेजर टाउन्स एंड सिटीज़ और जो मेज़र टाउन्स है जो मेन मेन टाउन और सिटीज़ की बाउंड्री कहाँ तक है ए कैपिटल सिटी इज़ यूजुअली मार्क्ड विथ स्टार जो कैपिटल सिटी होती है कैपिटल मतलब राजधानी वो किससे मार्क होती है स्टार से विथ अ सर्कल ऑन अ पॉलिटिकल मैप पॉलिटिकल मैप में एक सर्कल होता है जिसमें एक स्टार होता है उसमें कैपिटल मार्क् होती है जो भी राजधानी होती है वो मार्ग की हुई होती है नाउ लर्न मोर और कुछ जानते हैं यूज़ द ग्रिड मैप ऑफ वाशिंगटन डी सी ये क्या है वाशिंगटन डी सी का ग्रिड मैप है टू आंसर द क्वेश्चन नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें उनका आंसर देना होगा वॉट लैंडमार्क इज इन बी थ्री नाव लेट्स सी बी थ्री बी थ्री में विच लैंडमार्क हियर लिनकॉन मेमोरियल ओके तो हमने जगह का पता लगा लिया सो ग्रिड मेप ऑलवेज हेल्प्स टू फाइंड आउट द प्लेस इन विच ग्रीड स्क्वेयर इज द कैनेडी सेंटर हियर इज कैनेडी सेंटर लेट्स सी ए टू इन ए टू केनेडी सेंटर इज सिचुएटेड सो वी राइट हियर ए टू नेक्स्ट विच एवेन्यू रंस फ्रॉम बी टू टू डी टू

I will ask you one question. you will give me the answer. In which grid square is Washington Monument? you tell me. Yes. Let's see who gave the right answer. Here is Washington Monument, in which grid square here E and here three. So in e three, Washington Monument situated. Okay, I hope you understand it. Fill it in your book and read the chapter again. Thank you.